शेयर बाजार है, ये सेफ सिटी का एक समय एक्सटेंशन थी जो दंताना साहब के लिए बड़ा सेंसिटिव शहर है और हमारे दोस्त जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए ये वाला प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल करें। सेफ सिटी ने दिन रात लगा के इसको मुकम्मल किया है और 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ पैसे खर्च किए और 35 करोड़ में मुकम्मल किया, 5 करोड़ रुपये की डेवलपमेंट की। और दूसरा ये मेन सेफ सिटी के साथ कब होगा, गढ़ौर में इसका मेन सेंटर है। तीसरा जो एक प्रोजेक्ट जो फैक्ट्री पंजाब हेड कर रहे हैं जिसकी वजह से टूरिज़म से रिलेटेड है, ये उसके लिए भी हमारे लिए बहुत एक फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज सिखों के लिए जो हम टूरिज़म डिपार्टमेंट एक पूरा प्लान लॉन्च कर रहे हैं जिसमें सिख सिर्फ टूरिज़म डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, 6 से लेके या जितने मर्जी हो मिनिमम 6 घंटे होगा जिसको पंजाब हुकूमत से उन्होंने सिर्फ रब्ता करना है टूरिज़म डिपार्टमेंट से, उनका एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सारा का सारा जो टिकट होगा वो 1200 से लेके $1 मिनिमम $1200 का प्रोजेक्ट है, प्लान है जिसमें उनका होटल भी है, खाना भी है, रहना भी है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। तो उसको जाहिर साहब देख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो सारा टूरिज़म से रिलेटेड लोग देखे हैं दुनिया में, टूरिज़म से आधे से ज़्यादा मुल्कों की दुनिया इकॉनमी चली टूरिज़म से रही है, लाखों में लोग आते हैं। और सिखों के लिए ननकाना साहब, करतारपुर, हसन अब्दाल बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सिख टूरिज़म को प्रमोट करें और जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, चाहे ऑफिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करें। और इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट हमारी क्राइम को भी कंट्रोल करेगा और सिक्योरिटी के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आखिरी चीज़ की सेफ सिटी ने ये प्रोजेक्ट दिन रात लगा के कम्प्लीट किया है और पैसे बचाए हैं, तो क्रेडिट इनको जाता है, इनको सब की तरफ से ये शाबाश के भी मुस्तक हैं और इनकी पूरी टीम को मुबारक है। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का कुछ आई
ये सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्लस कैमरे ऑलरेडी वायरलेस के साथ हो गए हैं, अभी इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर जाके 15 मिनट आप लोग मैं बल्कि सजेस्ट करूँगा जरूर करें, और वायरलेस ऑपरेटर सारी जगह बैठे हुए और वीडियो कोऑर्डिनेशन की बात करती है। अच्छा सर, सर रिसेंटली एपेक्स के अंदर ये फैसला किया गया कि किसी को भी मजहब के नाम पर दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये एपेक्स का ताकत सब मीटिंग में जाइए बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन आया। इस वक्त ननकाना जो है पंजाब के सेंसिटिव मोस्ट सिटीज में शुमार होता है, जो लोग ये पंजाब के रिमोट एरियाज में इस्लाम और मदद के नाम पर दहशतगर्दी करती है, ये जो हार लेती है अफगानियों की तरह उनके खिलाफ भी ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्लैरिटी है सबका सबका फैसला था जो 1993 है कि इस्लाम के नाम पर किसी भी सूरत में एक्सट्रीमिज़म और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं होगी, और उसके लिए हर मुमकिन हर सूबा हर एक ने एक ही जुबान में कहा था कि हम हर एक के ऑपरेशन करेंगे जहाँ पर भी मुझे अगर नहीं एक्सट्रीमिज़म करने का वाक़ होगा उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा, और उसी तरह उसके लिए मुमकिन हम कर सकते हैं उसमें फैसले लेंगे सिंपल ऐसे आप लोगों को भी अल्लाह तला बहुत बेहतर रिजल्ट मिले। अच्छा सीएम साहब पंजाब में कल से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पे हैं, लाहौर में कुछ ननकाना में सर सरकारी स्कूल ननकाना साहब के हवाले से सीएससीटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ ननकाना साहब की बलदयाती एक्टिविटी के हवाले से जिस तरह रोड का स्ट्रक्चर है ननकाना साहब में खासतौर पर शेखपुरा से ननकाना आने वाले डिसाइडिंग है उनकी भी मुश्किल होती है, क्या उस पर भी पंजाब गवर्नमेंट कुछ नजरबानी करने जा रही है, कुछ रोड नए बनने जा रहे हैं? लेकिन जो उनका डी एस पी हॉस्पिटल है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी हालत में है, मेरे ख्याल वो 2 या 3 विजिट तो हो चुके हैं उस हॉस्पिटल में, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटलों से बेहतर हॉस्पिटल है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ छोटे मोटे मसाइल है वो हमको लेकिन फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से मेडिसिन बिल्कुल 50% हॉस्पिटल में मौजूद है, इसलिए हमारी टेस्ट है कि आप विजिट तो करते हैं, पंजाब में बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फंड भी महैया की बात है, बजट वही है, ठीक है, पंजाब हुकूमत के पास भी वही बजट है जो आपके घर के आपका बजट है, अब उसी के अंदर गुजारा करना है, हमारी पूरी कोशिश है कि अद्वियात 100% मिले, अद्वियात महंगी भी हो गई आपके आपको भी पता है बात गोली 2 रुपये की थी वो 3-3.5 रुपये की है, उसी के अंदर गुजारा करना है, लेकिन हर उसका बजट को जाहिर साहब की सप्लाई में कमेटी बनी हुई है जो रिवाइज कर रही है, एक एक को देखना है, आपका पैसा आपकी इमानत है जो हमारे पास है, जितने दिन तक है हमने कोशिश है कि कहीं ज़ाया ना हो खर्च करना है, लेकिन हम कल की साहिबान के यही इशू आ रहा है, पेशेंट रेफरली ज़्यादा है और दवाई की जो प्राइस है ऊपर जा चुकी है, तो उसको भी एडजस्ट कर दूसरा बाबा गुरु नानक सेंटर और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी और पुलिस लैंड और सीएम साहब आप लाहौर से आए, आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे स्मोक का या आलूदगी का बड़ा मसला है, आप हाईवे से मोटरवे से आए हैं, आप शेखुपुरा की हदूद भी गुजरे और ननकाना साहब की हदूद में आए हैं, आपने खुद ये देखा होगा कि आज भी रोड के दोनों तरफ हाईवे के मोटरवे के दोनों तरफ आग लगी हुई है और स्मोक का बहुत मसला है इस मुल्क में, इतना मसला है कि दफ़ा 44 लगाई हुई है हमने और हम एवरी वेडनेसडे ऑफ करने भी जा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम होगा, तो इस पे दफा 44 भी लगी हुई है और लोग बाकियात भी जला रहे हैं सर। इसमें दो बातें, पहली बात ये कि जरूर आग लग रही है, लेकिन आप सिर्फ कंपैरिजन कर लें, इस दफ़ा हमें फ़ायदा ये है कि लिफ्ट एक इस्लामाबाद में नया आर्मी मिनिस्ट्रेटर स्टैब्लिश किया है जो सेटेलाइट से हमें इमेजिंग दे देता है, आपको यहाँ तक बता देता है कि आपकी फसल में कौन सी कंपनी ने हमला किया वो हमें मॉनिटर करके दे रहा है, आग जरूर लगी है लेकिन उतनी नेचुनी क्योंकि डीसी साहिबान ने अपनी टीमों के थ्रू मैसेज भी दिए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, डाक जरूर रही है, जो एक्शन है वो भी हम ले रहे हैं, प्लस जो छुट्टी है वो वाली बात है, देखें अगर स्मॉग अगर हम कंट्रोल में रखें एक लेवल तक रखें तो हमें छुट्टी या बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उस लेवल से ऊपर चला गया तो डेफिनेटली कैबिनेट का ट्यूजडे को जा के उसमें हम फैसला करेंगे क्या करना है, और वो
कोशिश हमारी यही है कि हम स्प्रे पानी का जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये जो डीसी साहिबान है सारे किस वाले पूरे पंजाब में वो लगे हुए हैं कि कम से कम जले, तो हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इस दफ़ा और अभी पिछले हफ्ते से हम जो हमारा अलाना हमें कहना नहीं चाहिए आज़ाद होता था कि हम पहले नंबर पर दुनिया में अब चौथे पाँचवें छठे पे चल रहे हैं। अल्लाह करे अच्छी रहे, कोशिश करिए बाकी रिजल्ट अल्लाह। अच्छा सर, दो दिन